पहले प्यार का दिखावा किए, प्यार का दिखावा करके शादी की और शादी होने के बाद दहेज मांग गए। पापा और दोनों बेटी, ये तीनों मिल के बेटी को मेरे जान मारा है लोग। दो लाख रुपए दे दो, फिर बुलेट दे दो, उसके बाद मेरे को दो मंजिल के घर बना दो। दबाओ पे दबाओ, मार पैसा मांगो, घर बनवा दो। दहेज के लिए हमको बुलेट लड़का दबाव देता था, खाली बुलेट के लिए, खाली बुलेट के लिए। हम बोले बाबू दे देंगे, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है। जो शुरू में चाचा लिखा गया है कि मैं किसी दूसरे लड़के को पसंद करती थी, तो आपके लड़के से शादी क्यों करती? इस समय हम लोग नीकू के घर पे पहुंचे हुए हैं, जिसकी मौत मराछी गांव में, नौतन थाना के मराछी गांव में हो गई थी। अब आइए नीतू के माँ से, हम लोग भाई बहनों से, परिजनों से बात करते हैं, आखिर में मामला क्या था। प्रेम प्रसंग में शादी हुआ था, उसके बाद उसके, ये लोग बता रहे हैं कि उसके ससुराल वाले, ससुर वगैरह मिलकर उसको मार दिए थे। आखिर में वो लोग बोले हैं कि हम लोग मारे नहीं है, आखिर में वो लोग मारे नहीं है, तो पास घर के 100 मीटर की दूरी पर ही लाश को, बॉडी को क्यों जलाने चले गए और परिजनों को खबर क्यों नहीं पहुंचाए? नीकू से शाम को बात किए थे तो हमसे बोली थी कि ये मामी हम का निकाह हो आ, तो हमरा के बुला लो। हाँ बोली कि ठीक बा। अरे बाप रे, हमरा लगे इनका लगे फोन कमी तो कहन की गुड़िया के बात कराव। कहू कहबी जे हम गुड़िया के नहीं की जानत, कहाँ बालो पूजा गुड़िया के हम नहीं की कहाँ बालो आ, तो कहा जाने लू आ, तो ये हम नहीं की जाने बाहर ना निकल के देखी। उसके बाद वो लोग शाम को हमारे साथ 5:30-8 बजे कॉल की थी और यही बात बताई कि मम्मी हम फोन करते रह गए, फोन काट दिए, हम फोन करते रह गए, फोन नहीं उठाए, फोन नहीं उठाए। उसके बाद फिर पूछी कि मोबाइलवा काहे बंद किए थे आ, तो हम तुमको नहीं पहचानते हैं, तू कौन है? अरे बोलिए ना, हम तुमको नहीं जानते हैं, कहाँ से बोल रही है, कहाँ से बोल रही है? मम्मी रे हम कहीं, अरे बाबू रे कल सुबह होने पर तेरे को बुला लेंगे। उसके बाद लड़की बोली चल बाद में कॉल करते हैं, पता नहीं उसके बाद उन्हें फोन छीना था कि क्या किया था। हम छत से गए 11:07 में, फिर हमने फोन किया था। जब फोन किया तो उसके मोबाइल रिंग हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो लोग फोन कोई नहीं उठाया। हम सोचे चलो सो गई होगी, लेकिन सुबह हम, मेरे नंदोई फोन किए थे गोरखपुर से, अब बोले कि निकुआ के पास फोन हुआ था। हम बोले ना का भाई बा, हाँ तो फोन करी ना। हम बोले कि भाई का बा आ, तो साथ बड़ी घटना कैले बड़ा सन, मारपीट कैले बड़ा सन, हमारा गड़बड़ी, लेकिन फिर भी क्या बीता मैं खर्चा जा दे। हमने नीकू के पास फोन किया, उसके मोबाइल स्विच ऑफ, उसके माँ पापा के मोबाइल पर किए, वो भी फोन नहीं उठाए, उसके देवर पर किए, वो भी नहीं उठाया, लड़का के पास दो फोन किए, वो भी नहीं उठाया। फिर पप्पू जी हमारे पास फोन किए गोरखपुर से, नंदोई जी, बोले कि जल्दी पप्पू जी के पास फोन करो पटना, बहुत लोग घटना किया है, मार दिया है, मार के और आग में जला दिया हो। आप अपने जीजा को जानती थी ना? जानती थी, लेकिन हम लोग को ये शक नहीं होता था कि वैसे करेगा वो सब उनके साथ। ए, लव मैरिज शादी हुई थी ना दोनों का? कहाँ उन लोगों का मुलाकात हुई थी, कहाँ बात बड़ा गीत, मतलब उतना मेरे को उतना परेशान नहीं, कंफर्म नहीं था। फिर भी शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी, लेकिन वो ज्यादा करके, खास करके वो प्यार नहीं करते थे दीदी के, ज्यादा दहेज करके लिए करते थे वो। अच्छा, पहले प्यार का दिखावा किए, प्यार का दिखावा करके शादी की, और शादी होने के बाद दहेज मांगने लगे। उस समय दहेज नहीं लिए थे शादी के टाइम? नहीं, उस टाइम लिए थे बहुत कम, बट उतना भी नहीं मिल रहा था। उसके बाद वो फूटे फूटे वैसे ही करते गए दीदी के साथ। क्या मांगते गए शादी के बाद? बोले थे मुझे 2 लाख रुपए दे दो, फिर बुलेट दे दो, उसके बाद मेरे को दो मंजिल के घर बना दो। मतलब जितने ज्यादा ज्यादा, पापा बोलते कि ठीक है करूंगा थोड़ी देर बाद, मेरी बड़ी छोटी बेटी है उसके शादी कर दूंगा, उसके बाद करेंगे। तो भी दी, अब वो भी ये भी नहीं कन्फर्म था कि अगर अपने से भी बोल दी तो मम्मी गाड़ी भी देती थी, लेकिन वो भी नहीं करता था। वो सब दीदी से बोलता था बोलो बोलो नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा बोलो। उसके ससुर वही कहते थे अरे किस खानदान से आई है, जाने दे बाबू, कहने दे, ससुर वाला वाले कहते हैं फिर भी दबाओ, दबाओ पे दबाओ, मार पैसा मांगो, घर बनवा दो। दहेज के लिए हमको बुलेट लड़का दबाव देता था, खाली बुलेट के लिए, खाली बुलेट के लिए। हम बोले बाबू दे देंगे, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, दवा चल रहा था, अभी 1 साल ऑपरेशन के भी नहीं हुआ, थोड़ा हमको खड़ा हो जाने दो। शादी का टाइम दहेज पैसा ना, उस समय कुछ नहीं मांगा था, उस समय ना गाड़ी के लिए, ना बुलेट के लिए, ना पैसा के लिए, ना
जो चीज चाहिए बार बार उसको 10,000, 15,000, 5,000 मोबाइल में देते जाओ, उसके देते जाओ, करते जाओ। 500 रुपया मम्मी दे काम है, 500 रुपया वो भी दे देते मम्मी दे मोबाइल में पैसा, रिचार्ज के लिए पैसा मांगता, रिचार्ज का दबा, हाँ रिचार्ज के लिए पैसा डलवाए हैं। अरे बाप रे, अरे उसके बाद सोचते थे कि चल जाने दे, दामाद करता नहीं था। अभी तो पढ़ाई करता था वहाँ पे बरवा स्कूल में पढ़ाई करता था। शादी आप लोग कैसे वहाँ पर करते? लड़का के मर्जी से हुआ था, लड़का की मर्जी से शादी। आप, लड़की आपकी थी, आप अपने मर्जी से नहीं की, लेकिन लड़का की मर्जी से कर दी। उसके दबाव था कि शादी करेंगे, हम प्यार किए हैं शादी करेंगे, शादी करने के लिए वो लोग बोलता था और लड़की उसी के बहकाव में चल गई। बात बात में फोन करके बोलती थी मम्मी रे इन लोग के दहेज के मांग था, उस समय तो बोला कि नहीं, और बाद में इन लोग के दहेज के चक्कर में जब हम लोग के पहनाव कपड़ा देखता था लो तो इनके चक्कर में है। उनके बाप यही दबाव डालता था, वो भी यही दबाव डालता था कि हमको बुलेट चाहिए, हमको बुलेट चाहिए। उस समय तो बुलेट नहीं मांगा था लेकिन बोला था कि हमको बुलेट चाहिए और पैसा 2,00,000 रुपया चाहिए हमको। हाँ बाबू कर लेंगे, उसके बाद हम तुमको देंगे। आप अपने लड़की को शादी से पहले मना नहीं की थी कि आप अपने मन से शादी कर रही हो? लड़का के उनके बाप भी बोला था, सब परिवार के मिल के शादी, उसके बाप मेरे घर आया भी था और बोला हम शादी करेंगे, ढंग से करेंगे शादी करेंगे। और उसके बाद अपने लड़के को चढ़ावा भेज के बोला कि हाँ तुम शादी करो, ये नहीं है कि बिना मर्जी के हुआ है, उसके बाप मेरे घर आया है। अब उस समय के मोबाइल था मेरे पास, छोटा मोबाइल था, उस समय रिकॉर्डिंग हम नहीं रखे हैं कि हम आपको सच्चे बता सकते, लेकिन हमारे पास मन में था कहीं लड़का आप मेरे लड़की से प्यार करता है तो सही से रखे। लेकिन लड़की मेरी बोली, जब वो दबाव देता था तो रोती थी और लड़की शादी के बाद हाँ बोलती थी कि मम्मी ये लो हमको, हम लोग के पहनाव कपड़ा ढंग से देखा है ना, उसके बाद इसको मन में लगा कि पैसा पैसा वाले हैं लोग, चलो शादी कर लेते हैं और उसके बाद से फिर निचोड़ेंगे। और जैसे जैसे लोग मांगते गए, देते गए, देते, छोटे छोटे बच्चे हैं लोग, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ हम लगा रहे, तब तक मेरा ऑपरेशन हो गया। मैं लड़का के अकाउंट में 30,000 रुपया डाली, फिर 10,000 रुपया डाली, फिर 10,000 रुपया डाली, ऐसे करके मैं दी, बोली बाबू हम सब तुमको दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं। वो लड़की को दबाव, हमको दबाव नहीं दिया है, लड़की के दबाव दिया है। लड़की रो रो के परेशान, लड़की रो रो के परेशान, और दोनों बहन उसको परेशान करती थी, खाना खाती थी ले जाके नाद में डाल देती थी गाय के, ये मम्मी देखे एक रोटी भी नहीं है, जाने दे कुछ बना ले, क्या बनाओ, बनाने के बाद भी झगड़ा घर में है, तरह तरह की परेशान किया है उसके घर में। जब घर में लड़का 6 महीने तो लड़का घर में गया नहीं था, उसके लड़की दोनों बोलती थी पापा इनको संभाल सो, नहीं तो लड़की ये रहेगी या तो हम रहेंगे। तो लड़का इसके वजह से बरवा स्कूल में रहता था, लड़की के पास जाता नहीं था, बीच बीच में जाता भी था तो रात के गए तो सुबह तुरंत पापा या तो ये रहेगा या तो हम रहेंगे, पापा बोलता बाबू तू चंदन चल जाओ स्कूल पे। पापा के पापा और दोनों बेटी, ये तीनों मिल के बेटी को मेरे जान मारा है लोग, उसके बाद लड़का को भी हम कहेंगे ऐसे बर्ताव नहीं करता कि चलो शादी तो करते हैं उसके साथ, लेकिन आज के जमाना है कि लड़की को साथ दे, मदद दो, किसी माँ बाप के छोड़ के आई है और तुम अपने घर परिवार को भी चलाओ, लेकिन घर परिवार के नहीं, जबकि माँ बाप टॉर्चर करते थे उस समय, लोग धीरे धीरे हट जाते थे कि ना, लड़की के पास 2 महीना के पेट में बच्चा था और 2 महीना बच्चा, हाँ 2 महीने के बच्चा था और लड़की 11 बजे तक रोई है मम्मी रे पेट में दर्द है, हमें फोन कर, फोन की तो वो बोले कि मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दिया लड़का, फिर सुबह फोन की ददन पाता के मोबाइल पे भी के सबके मोबाइल पे की, लेकिन उन्हें कोई नहीं उठाया। फिर लड़का बोला कि तब बोली कि पापा से बोलो, जब पापा से बोली मोबाइल पे तब वो लड़की वो लड़का भेजा कि आ जाओ, जब बोला उसके बाप बोला है तो लड़की गई, वो लड़का गया नहीं तो नहीं जाता। जब 11 बजे दिन में गया, 10-11 बजे रात के बाद और 11 बजे दिन में लड़का गया, तो बाप को घर में था, बाप 55 साल से अधिक नहीं होगा या तो 60 साल के बीच में है लगभग, और वो फिर लड़की के बुला करके हॉस्पिटल लेके जाता, तुम्हारे गांव में कोई नहीं है। 11 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक 2 घंटा घर में बर्ताव बात करते रह गया, लड़की पीड़ा में मर रही थी, हॉस्पिटल लेके गया लोग और फिर बाउंडल बना दिया लोग कि नहीं कुछ नहीं था। वो बोली कि आज तक मेरे से हुआ नहीं, 2 महीने के था, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे नहीं बात नहीं है। फिर लड़की को हमने लड़की को दबाव दी, ना बेटा जाने दो, ससुराल तुम्हारा वही है, हम तुमको सब कुछ यहाँ से पूरा करते जाएंगे। कहने के हिसाब से पेट से वो लोग बच्चा भी गिराया, गिराने के बाद उसके बाद यहाँ पर जान से मार दिया, मार के आग से जला दिया लोग, हमको जाने का दिखाया तक नहीं। लड़की बिना माँ बाप की अनुमति शादी करेंगे तो यही होगा, वैसे तो यहाँ पर माँ बाप की अनुमति भी लिया गया था, ससुर भी इस घर में आया था अपने लड़की की इस बेटी से शादी कराने के लिए, फिर भी ससुराल वाले
पति और उसके ननद और ससुर मिलकर सब लोग इस घर की बेटी को वहां पर दहेज के लिए जान से मार दिए भाई। ये उनके पापा है, आप FIR किए ना? हाँ FIR हो गया, तो FIR हो गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है। और इन्हीं के लड़के से उसकी लव मैरिज शादी हुई थी 2020 में, और इस समय उसकी डेड बॉडी मिली है घर में। कोई बोला है फांसी लगाकर मरी है, कोई बोला है जल कर मरी है, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ मरने के बाद गांव के ही बगल में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था। अयोध्या मिश्रा आपकी पतोहती? हमारी पतोहती। क्या नाम था उनका? निकू। निकू पूरा नाम? निकू पांडे। निकू पांडे। लड़के का क्या नाम था? चंदन मिश्रा। बड़ा लड़का है आपका? हाँ बड़ा लड़का। अच्छा चलिए, कब शादी हुई थी? वो शादी तो हम थे नहीं, घर पे नहीं थे। उसकी जो है कि शादी के लिए हमसे जो है कि संपर्क किए थे लोग, बोले कि शादी नहीं करेंगे, अभी हम उन लायक नहीं हैं, क्योंकि ना हमारे पास घर द्वार है, ना जमीन जायदाद है। लड़का कोई नौकरी करता है, वो पढ़ता है। अभी पढ़ाई करते थे? कैसे MBA की तैयारी कर रहे? हाँ BA की। और वो बोले कि नहीं हमको तो शादी करना है। हम बोले कि शादी करना तो बहुत दुनिया है, वो कहीं देख लीजिए शादी कर लीजिए। तो उसकी माँ बोली कि नहीं, लड़की और आप नहीं जानते हैं, लड़की और लड़के से संबंध है पहले से, हम दूसरे जगह नहीं। लड़की की माँ बोली? लड़की की माँ बोली पहले से संबंध है, और इसलिए जो है कि जो हमको शादी करना है। अच्छा, तो अच्छा क्या कारण है ये जो मीडिया में फैल रहा है? इसमें मतलब कि जो वही बात मैं पढ़ रहा हूँ ना, अब लड़का जो है कि जब शादी कर लिया, लेकिन हमारा काम था एक ही बात जो है कि तुम्हारी खुशी है तो हमारी खुशी, जो तुम खुशी में कर लिए तो कर ले, तुमको मार पीट कर काट करके करो, से हमको कोई फायदा नहीं है। हम अपना रोजी रोटी भाई बच्चों को और कुछ चलाना है। बोले क्या करूं, शादी की जगह कर लिया। हम बोले कर लिया तो तुम समझो, जब कमाते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो। कोरोना काल में हुआ था ना सर? कोरोना काल में हुआ था, तो घर पर लेके चलाया। हम यहाँ से गुजरात में थे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना काल में जितनी भी शादियां हो रही थी, परिणाम ऐसा ही निकल कर सामने आ रहा है। यहाँ पर भी वही परिणाम आया है, और कई जगहों पर आज न्यूज में गूगल में सर्च करके कोरोना काल में जो शादी विवाह प्रेम संबंध में हुआ है, ऐसा ही परिणाम सामने आ रहा है। दो लोग अपने मंदिर में शादी कर लिए थे। मंदिर में शादी कहाँ पे किए थे? किस मंदिर में? ओ, में किए थे। चननिया? हाँ चननिया माई से। अजादा भाई था? अजादा माई। अजादवा? अजादवा माई रामपुर। रामपुर में। तो क्या घर में क्या हुआ कि ऐसा कदम उठाना पड़ा आपके? कदम नहीं, वो तो अपने खुशी पूर्वक जो है सब रहते थे, उसमें कोई दिक्कतें आते कोई बड़ा परिवार नहीं। दोनों बच्ची है, वो अपना जो है कि जो BFR। आपके दो लड़के हैं? दो लड़की है? लड़की तीन है, एक की तो शादी हो गया। एक की शादी? दो है जो है कि दोनों जो है कि BSC के जो अभी परीक्षा दिया है। घर में क्या हुआ था? घर में तो यहाँ किसी को मालूम नहीं चला जो हुआ गया था। आप कहाँ थे? हम जो है कि अपना घोटा पति बताने में, हमको तो जो है कि जब सुबह अपना जो है सब्जी वब्जी लेकर के उधर था ना आए, तो जो है कि दरवाजा नहीं खुल रहा था, तो ये लोग बोले कि दरवाजा नहीं खुल रहा है। हम लोग कितना पीट पीट करके जो है कि अपना नहा धोवा करके अपने निकल गए दूसरे घर में, जो है कि वो एक दो ही घर ही कमरा है, एक कमरा ये घर में वो अपने आप को बंद कर लेते। हाँ बंद कर लेते सुबह से। सुबह से क्या, रात से सब कोई भाई रात को जब सुबह गए तो बंद ही कर लिया। खुला ही नहीं सुबह? नहीं खुला ही नहीं। तो ये लोग अपना सोचे कि चलो कभी भी अपना उठेगी खाना बनाएगी जाए, ये लोग अपना चले गए। जा करके जो है कि उधर से जो है कि तब तक इधर से हमारे पास सोचने गया, हमारे पड़ोसी जो है कि दिए कि भाई एक पागल लड़का है ये, तो ये लड़का है तो ये करता क्या है कि जब उल्टा सीधा है इंतजार का काम, तो ये अपना दावा भी बिक देता है। तो ये दावा जो है कि उसी के पास रख दिए थे इसकी मम्मी ने, ये दावा ले जाके बिक देगा, इसलिए दावा को तुम्हारे पास रहेगा तो यहाँ आएगा नहीं। तो दावा खोजने लगी कि सुबह दावा खिलाना है, और दरवाजा पीटने लगी तो दरवाजे खुले नहीं, हमारे पास गई वहाँ पे हमसे पतंग में। तो हम उधर से 8 बजे आते हैं आराम से, तो उधर से आए चले हम देखते हैं भाई क्यों नहीं, हम भी दरवाजा पीटे भाई खोलो 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 क्या बात है, निकू अभी तक सो रही है, पहले चाय बनाने कुछ बना, क्योंकि आते थे उस समय चाय भी बन जाता था, तो उनको लाकर उसके उधर आते तो चाय मिल जाता था, हम भी अपने चाय पीते अपने काम के लिए चल देते। खोले नहीं रहे थे, खोले नहीं थे मैं सब कुछ, तो औरत यहाँ से अभी इकट्ठा हो गई जो भाई दरवाजा नहीं खुल रहा है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। लड़का वहाँ ये भी वही सोता है, ये भी सोया था, तो हम बोले कि जो बेटा जो है कि जो देखो दरवाजा नहीं खुल रहा है खुलवाओ, तो ये पीछे से खिड़की जंगल में जाली है, जाली फाड़ करके देखा तो देखा कि जो है कि जो वो भाग लगा लिया है,
उसके बाद आप लोग क्या किए? सुनने में आ रहा है कि बगल में ही जलाने गए थे। हाँ तो सुनिए ना, तो उसके बाद जो है कि जाल में इकट्ठा हुआ कि भाई दो क्या हुआ, तो सब लोग आए जो है कि भाई दरवाजा तोड़े, देखो भाई दरवाजा तोड़ दिए, दरवाजा तोड़ करके उतारे, लेकिन वो गुजर गई थी। तो हम बोले कि जो है कि अभी आया, इसको रखने से फायदा क्या है। आप लोग घर पे उसके संपर्क क्यों नहीं किए? घर पर संपर्क जो है कि हमारे पास नंबर नहीं था, वो तो लड़के पास होता है। तो लड़के से आप बताए कि आपकी बीबी ऐसे करते हैं? लड़के को अभी आने में दो, उसके पास खबर दिया, लड़के के आने में देर हुआ, तो हम लोग दरवाजा तोड़ दिया, भाई देखा तो जाएगा कि हो सकता है कि अभी बच जाए चाहे क्या हो। अच्छा, उसके बाद बिना संपर्क कहीं दिए कर बगल में लड़का आ गया, उसको जो है कि बोले भाई उसको करते फोन करो, संपर्क करो, तो उसके पापा के पास फोन किया, जहाँ भी किया, जैसे भी किया, वो अपना जो है कि वही इस चीज को बताया। अब चलिए, यहाँ पर जो ससुर थे, सास तो है नहीं, सास की डेट कब हुई थी? शादी 2007 में हुई थी। 2007 में हुई थी। और ससुर थे, ससुर ने जो था जो हुआ है घर में वो बता दिए, लव मैरिज लड़का लड़की अपने मन से किए थे, इनके भी मन के मुताबिक वहाँ पर शादी नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लड़की मरी है, यहाँ पर कुछ लिख कर मरी हुई है, अब उस लड़की का है या किसका है इसमें लिखा हुआ है, मैं आपकी नीकू, मैं अपनी आत्महत्या करने जा रही हूँ, हो सके तो आप सब हमें माफ कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, हमें कोई और लड़का पसंद था पर मैं किसी को बता नहीं सकती थी, तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि ना ही मेरी पति की कोई गलती है और ना ही मेरी फैमिली में और ना ही मेरी माँ पापा जी की कोई गलती है, मेरे लिए मेरी पति मेरी भगवान है, उन्होंने मेरे को इतना ज्यादा प्यार दिया जो मेरे को कोई दुनिया में नहीं कर दे सकता, फिर भी मैं किसी चीज से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए मैं जा रही हूँ, कृपया करके मेरी पति या किसी को भी तंग ना करे, वरना मेरा शरीर जाएगा, मेरी आत्मा मेरी पति के पास ही रहेगी, मेरी माँ पापा को समझिएगा, मेरी मरने का एक ही वजह है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, बाकी सारे लोग बहुत अच्छे हैं। एक बात और, आमा का कुछ सामान है गोदरेज में, उनका पायल और दवाई और नाक का है, एक जिसमें बरमाला है उसी में है, दोनों आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मेरी पंडित जी अपना ख्याल रखे, टाइम से भोजन कर लीजिएगा, अपनी खुशियां को आगे बढ़ाइएगा, नींकू पंडित। जो शुरू में चाचा लिखा गया है कि मैं किसी दूसरे लड़के को पसंद करती थी, तो आपके लड़के शादी क्यों करती है? तो इसमें दर्शाया गया है कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी, तो फिर लव मैरिज शादी यहाँ पर कैसे हो सकती है? तो FIR दर्ज कर दिए, पुलिस कार्रवाई नहीं करी है, मगर अब देखिए हम दिल्ली से उसी के लिए सिलसिले में हम आए हैं। अब देखिए, पुलिस का कर्तव्य है इस मामले में जांच करना, उसके बाद जो परिणाम निकलेगा वो तो सामने आएगा ही। अब चलिए, यहाँ से भी जो सच्चाई था ला कर दिखा दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।